हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग का फिर से एक बार यूट्यूब से रिलेटेड होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अपने चैनल को, अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करने के फायदे क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि अपने YouTube चैनल को वेरीफाई करने के फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है सानू, आप देख रहे हैं HK Tech Official। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों YouTube चैनल को वेरीफाई करने के कुछ फायदे होते हैं, जिनको हम लोग चलिए जल्दी से बहुत ही कम समय में जान लेते हैं। तो दोस्तों YouTube चैनल को वेरीफाई करने के सबसे पहले फायदे ये होते हैं कि आप YouTube को सिद्ध करेंगे कि YouTube मेरा चैनल जो है, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। अगर आपका चैनल वेरीफाई है तो आप इससे YouTube को सिद्ध कर सकते हैं कि ये मेरा चैनल कोई रोबोट का चैनल नहीं है, बल्कि एक इंसान का चैनल है। तो दोस्तों YouTube चैनल को वेरीफाई करने के दूसरे फायदे ये होते हैं, आप कस्टम थंबनेल से संबंधित, कस्टम थंबनेल के बारे में नहीं जानते होंगे आप लोग, तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कस्टम थंबनेल के भी बारे में बता देते हैं। कस्टम थंबनेल वीडियो का वो पहला दृश्य जिससे आप वीडियो के बारे में जानते हैं, जो आपको सबसे पहला दृश्य दिखता होगा वीडियो के ऊपर, जो स्क्रीन में, बड़ा सा स्क्रीन में, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, वो कस्टम थंबनेल उसे कहते हैं, जिससे आप कस्टम थंबनेल बना के लगा सकते हैं। अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं है तो आप कस्टम थंबनेल को नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा कि कस्टम थंबनेल क्या होता है, तो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करने के तीसरे फायदे ये होते हैं कि आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं है तो आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस समय लाइव स्ट्रीमिंग का कितना बड़ा क्रेज चल रहा है। तो दोस्तों चौथे फायदे ये होते हैं कि आप एक्सटर्नल लिंक को एनोटेशन नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते आप अपने वीडियो में, एक्सटर्नल लिंक को एनोटेट नहीं कर सकते आप अपने वीडियो में। तो दोस्तों पांचवा फायदा ये होता है कि आप लॉन्गर वीडियो नहीं डाल सकते। दोस्तों जैसा कि आप अगर कोई वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे, अगर आपका चैनल वायरल हो गया, आपका वीडियो वायरल हो गया, कोई भी वीडियो, अगर आप कभी फ्यूचर में अगर कोई लंबी वीडियो, लॉन्ग वीडियो डालना चाहते हैं तो आप नहीं डाल सकते। उसका रेंज है 15 मिनट से कम के वीडियो डाल सकते हैं, अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं है तो। अगर आपका चैनल वेरीफाई है तो आप 15 मिनट से ज़्यादा के वीडियो डाल सकते हैं। जैसे कि आपका चैनल वेरीफाई हो गया, अगर आपसे कोई इंटरव्यू करता है, आपसे कोई कोलैब करता है, आपसे किसी और बड़े यूट्यूबर से बातचीत होती है, तो जाहिर सी बात है कि कॉलैब वीडियो या इंटरव्यू वीडियो 15 मिनट से ऊपर हो जाते हैं। तो 15 मिनट से ऊपर के वीडियो आप नहीं डाल सकते अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं है तो। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर 15 मिनट से ऊपर की वीडियो डालना चाहते हैं आप, तो आपका चैनल वेरीफाई होना ज़रूरी है, आपके चैनल को वेरीफाई होना ज़रूरी है। दोस्तों छठवें फायदे ये होते हैं, कंटेंट आईडी अपील। दोस्तों आप YouTube से कंटेंट आईडी अपील कर सकते हैं, आपका चैनल ग्रो कर रहा है, आपका वीडियो कोई वायरल हो गया है, अगर उस वीडियो को कोई अदर पर्सन भी अपने YouTube चैनल पे डाल दिया है, तो आप कंटेंट आईडी अपील कर सकते हैं, जिससे आप उसे क्लेम भी कर सकते हैं कि भाई ये वीडियो मेरा है। अगर वो सिद्ध करेगा कि नहीं ये मेरा वीडियो है, तो आप उसे कंटेंट आईडी दिखाकर बता सकते हैं कि ये वीडियो मेरा है। तो दोस्तों ये कुछ फायदे हैं YouTube चैनल को वेरीफाई करने के। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को दबाकर आल पे क्लिक करें। बेल आइकन को जरूर से दबाएं भैया, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।